प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा मैजिकल टेस्ट है जो हमें ये बताता है कि इस साइकिल में आपका इम्प्लांटेशन हो सकता है कि नहीं। जब हम फ्रेश साइकिल ट्रांसफ़र करते हैं, इसका एग से कोई लेना देना नहीं होता है। जब हम फ्रेश साइकिल ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा कट ऑफ यूजुअली 2 होता है। 2 से अगर ऊपर होता है तो हम पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, फिर हम सारे एम्ब्रियोस फ्रीज कर देते हैं। और अगर हम फ्रोजन साइकिल ट्रांसफ़र करते हैं तो 20 से ऊपर हमारा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नहीं होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कि पेशेंट को आप इंजेक्शंस लगा रहे हो प्रोजेस्टेरॉन के, फिर तो लेवल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं एंड उनके कट ऑफ फिर अलग होते हैं। पर यूजुअली 20 का हम जो कट ऑफ है वो लेते हैं फ्रोजन साइकिल ट्रांसफ़र के लिए, एंड 2 का कट ऑफ होता है फ्रेश साइकिल ट्रांसफ़र के लिए। इसके ऊपर अगर होता है तो इम्प्लांटेशन उस साइकिल में नहीं होगा, तो जानते हुए हम पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं और हम अवॉइड करते हैं ईटी करना। बेटर है कि हम एक साइकिल डिफर कर दें, एक साइकिल आपको आगे ले जाएं, रादर देन उस साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें। बिकॉज आईवीएफ में सब कुछ प्रेडिक्शन है, कोई भी चीज़ 100% नहीं है। तो जब ये प्रेडिक्ट करते हैं, ये कुछ स्टडीज़ बताते हैं कि ऐसे करो, तो हमें इसको फॉलो करना पड़ता है। ये सब कुछ भी 100% नहीं है, लेकिन आईवीएफ में ऐसा होता है कि क्योंकि कुछ भी 100% नहीं है, तो अगर 1% भी ऐड करके होता है कि ये काम नहीं करो तो ये नहीं करते हैं। इसीलिए पेशेंट की साइकिल बहुत बार डिले भी होती है इस वजह से, तो इसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। और प्रेगनेंसी आगे खींचने के लिए भी हमें प्रोजेस्टेरॉन देना पड़ता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए, जो कि पेशेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। हम रखें आपका ख्याल।